उदयपुर से जाकू का सफर हम कर चुके थे, हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि ना हम चौकीधानी है तो आए हम चौकीधानी। अंदर जाते हैं, भीड़ तो दिख रही है, टिकट्स वगैरह का पता करते हैं कितनी है। चलिए एंट्री शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें करने को मिल सकती हैं बिल्कुल लोअर में, और आते ही आपको वेलकम ड्रिंक मिल सकती है वहाँ पे। वेलकम ड्रिंक में हमें मिला बहुत ही अजीब सा ड्रिंक जो कि हमने तीनों ने फेंक दिया, लेकिन आगे जाते गए बहुत सारे यहाँ पर बने हैं कियोस्क टाइप, जहाँ पर कुछ ना कुछ लोग अपने कर्तव्य दिखा दिखा के लोगों को एंटरटेन। जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे शोज़ का एंजॉय करते हुए आप स्नेक वाला शो को भी इसके बाद में एंजॉय कर सकते हैं, और इसमें आपको स्नेक को लेके काफ़ी सारे जादू यहाँ पे दिखाए गएंगे। उसके अलावा जब आप आगे चलेंगे तो और एक्टिविटीज़ के अंदर आपको और जादू और प्लस अपने मनोरंजन के लिए आप गेम्स का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। गेम्स जैसे आप किसी मेले में जाते हैं वैसे छोटे मोटे हैं, जैसे आप यहाँ पे एरो थ्रो कर सकते हैं, बॉल थ्रो कर सकते हैं, और सबकी कॉस्ट बहुत ही छोटी छोटी जो कि आप दीवारों पर दिखा हुआ, जैसे कि 5 रुपीज़ 3 टाइम्स के लिए, तो काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे टाइम इंजॉय यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ये है बिल्कुल सेपरेट शॉपिंग का आर्केड, राजस्थान के ट्रेडिशनल ज्वेलरी मिलेगी यहाँ, कपड़े मिलेंगे, ऑर्नामेंट्स मिलेंगे। देखने भर में एम्बियंस बहुत अच्छा था। समा बांधने के लिए ढोलकी बजाकर लोग गाने भी गा रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहा होगा। ये हाथी की सवारी लोग एंजॉय कर रहे हैं, एलिफेंट राइड बहुत मजा आता है। इधर एलिफेंट राइड हो रही है और पीछे की तरफ ऊंट की सवारी, बग्गी की सवारी। और यहाँ पे है हल्दी घाटी भी, तो उसका भी लुत्फ़ उठाते हैं। ये हल्दी घाटी कहकर एक जगह बना रखी है, हल्दी घाटी की लड़ाई आपने सुनी होगी। उधर का सारा एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है, मोमेंटोस बने हैं राजाओं के, उनकी प्रजाओं के लड़ाई करते हुए दिखाया गया है, पूरा सीन शो किया गया है। और हल्दी घाटी बैटल के बारे में लिखा है, जिसको थोड़ा बहुत नहीं पता है पढ़ के थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इधर कभी किसी के बच्चे को मारा गया होगा बलि चढ़ाने के लिए दिखाया है।
इधर देखेंगे लोग त्रिशूल मार रहे हैं, इधर लड़ाई चल रही है। ये एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा सीन बना दिया गया है जैसे दूर से देखोगे तो लगेगा अभी यहाँ वॉर हो ही रहा है। और यहाँ पे आपको वैष्णो देवी टेम्पल भी दिख रहा है। चलिए जय माता की बोलते हुए चढ़ते हैं ऊपर। फाइनली बड़ी कठिनाई के बाद जय माता दी करते हुए वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए फिलहाल चौकीधानी में ही। और ऊपर जाके एक छोटा सा मंदिर बना रखा है जिसमें माता जी की मूर्ति रखी हुई है, पुजारी बैठे हैं, आप टीका लगवा सकते हैं और पूजा पाठ भी कर सकते हैं। झूलों का सेगमेंट भी बनाया है जहां बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। मेरी बच्ची ने भी एंजॉय किया। ये कॉमन एरिया में पहुंच गए हम जहां ऊंट की सवारी चल रही है, यहां बोटिंग चल रही है। इधर देखें तो डांस चल रहा है, ट्रेडिशनल डांस शो। और सब इतना सब एंजॉय करने के बाद आप यहाँ के डिलीशियस खाने को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि अभी तो सेल्फ सर्विस के मोड पे चल रहा है, पर वहाँ पे हेल्पर्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। फिलहाल ठंड के मौसम में ठंड काफ़ी हो चुकी थी और इतनी ठंड हो चुकी थी हमें वहाँ से बस खाना खा के जल्दी से बाहर निकलना पड़ा और बस फिर उसके बाद हम अपने होटल रूम में पहुँच गए। बस चौकीदानी में घूमते हुए ठंड काफ़ी हो गई थी तो इसलिए हम जल्दी अपने रूम पे आ गए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ आराम से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें मेरे साथ और चैनल के साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।